I'm going to share a case. Few people decided to incorporate a company and they put in 10 lakh rupees against which the company gave them the shares. Company comes into existence and it gets incorporated. Ab company ne decide kiya ki main ek office building khareedte hain and that's why company approaches this previous owner. Previous owner ne kaha okay aap 10 lakh rupees dijiye building aap le jaiye. दोनों ने फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी जो थी ओनर बन गई इस बिल्डिंग की. करेक्ट. सो कंपनी इज नाउ द राइटफुल ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग. नाउ लेट्स रीड दिस थिंग वेरी स्लोली. कंपनी इज नाउ द ओनर ऑफ द बिल्डिंग. मेंबर्स इज द ओनर ऑफ द कंपनी. विल मेंबर्स ऑल्सो बिकम द ओनर ऑफ द बिल्डिंग? राइटफुली मेंबर्स ओन द कंपनी बट कंपनी ओन्स द बिल्डिंग. सो अगर मैं बोलूँ अगर कंपनी बिल्डिंग ओन करती है मेंबर्स कंपनी ओन करते हैं तो मेंबर्स बिल्डिंग भी ओन कर लेंगे. वुड दैट थिंग एवर हैपन? द आंसर इज अ बिग नो. व्हाई अ बिग नो? बिकॉज कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था प्रीवियस ओनर के साथ वो सिर्फ इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था. उसमें कंपनी हैज बिकम द लीगल ओनर एंड द प्रॉपर्टी ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग. मेंबर्स डोंट हैव एनी राइट इन दिस बिल्डिंग. भले ही वो कंपनी ओन करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो इस बिल्डिंग को अपने विश के अनुसार यूज नहीं कर सकते हैं. सो वी आर वेरी क्लियर दैट दिस बिल्डिंग इज ओन्ड बाय द कंपनी. गोइंग अहेड विद द केस. कंपनी नाउ डिसाइड्स टू अप्रोच अ बैंक. उसे 9 लाख रुपीस का लोन चाहिए था डे टू डे फंक्शन करने के लिए. बैंक ग्रांट्स द लोन. वेरी सून लॉसेस हो गए कंपनी में एंड द कंपनी वॉज नॉट एबल टू रीपे द लोन टू द बैंक. बैंक का लोन जो था 9 लाख रुपए का वो हो गया 12 लाख विथ इंटरेस्ट. एंड बैंक आस्क्ड द कंपनी कि मुझे मेरा जो ये लोन है आप चुका के दो. कंपनी इज लाइक आई डोंट हैव एनी फंड्स टू रीपे यू. बैंक देन अप्रोचेज अ कोर्ट. सो बैंक गोज टू अ कोर्ट. कोर्ट ऑर्डर्स द कंपनी कि आपको ये लोन चुकाना पड़ेगा. कंपनी इज लाइक सर आई डोंट हैव एनी मनी आई जस्ट हैव दिस बिल्डिंग विथ मी. सो देन कोर्ट ऑर्डर्स कि इस बिल्डिंग का क्या करोगे? ऑक्शन. बिल्डिंग का ऑक्शन होता है. ऑक्शन करके हमें 11 लाख रुपए रिसीव होते हैं. प्लीज ध्यान दीजिए बैंक का आज लोन कितना था? 12 लाख रुपए का था. बिल्डिंग से पैसे कितने आए? 11 लाख रुपए. कंपनी ने पूरे 11 लाख रुपए चुका दिए. क्या बैंक लोन का लायबिलिटी फिनिश हो गया? नहीं, अभी भी 1 लाख रुपए बचे. पर अब कंपनी के पास क्या है? कुछ भी नहीं है. एक ऑफिस था वो भी जा चुका है. नाउ बैंक डिसाइड्स कि आई हैव टू अप्रोच दीज मेंबर्स क्योंकि कंपनी ओन कौन कर रहे थे? 1 लाख रुपीज. सॉरी, कंपनी ओन कौन कर रहे थे? दीज मेंबर्स. सो बैंक अप्रोचेस फॉर दिस 1 लाख रुपीज टू दीज मेंबर्स. नाउ मेंबर्स कैन वेरी पोलाइटली से सर आई एम नॉट लायबल. Why? Because this is the beauty of a company. Members are only liable to the extent of the shares they take in the company. उसके बाद अगर company में कुछ भी losses होते हैं, किसी outsider को losses होते हैं, तो वो जो losses है वो उसी को bear करना पड़ेगा. Members के personal assets में से आप पैसे बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो. इससे हमने एक चीज़ बहुत clearly समझो. Liabilities की जब बात आती है मेंबर्स एंड कंपनी आर डिफरेंट. मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी हो रही है? लिमिटेड लायबिलिटी हो रही है. और कंपनी की लायबिलिटी क्या हो रही है? एक तरीके से अनलिमिटेड लायबिलिटी. व्हाई अनलिमिटेड लायबिलिटी? जब कोर्ट का ऑर्डर आया कंपनी के पास जितने असेट्स थे सारे बिक गए. ठीक है, लेकिन मेंबर्स के पास क्या ये ऑप्शन था? सॉरी, मेंबर्स के साथ क्या ये पनिशमेंट हुआ? नहीं हुआ. बिकॉज दैट इज द होल सोल ब्यूटी ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन एंड कंपनी स्ट्रक्चर. नाउ इन ऑल दिस केस हमने धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े फीचर्स पढ़े. लेट्स क्विकली फाइंड आउट व्हाट ऑल फीचर्स डिड वी स्टडी. गोइंग अहेड, जब ये सिनेरियो बना मेंबर्स इनकॉर्पोरेटेड दिस कंपनी, यहाँ पे मैं एक बार लिख रही हूँ ए. देयर इज दिस वन फीचर जो हम पढ़ेंगे. व्हेन कंपनी एंड दिस बिल्डिंग एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ये सिग्नेचर हो रहा है, यहाँ हमने एक और फीचर पढ़ा विच इज बी. प्रॉपर्टी किसकी हो गई? कंपनी की, नॉट मेंबर्स की. हमने एक और फीचर पढ़ा है यहाँ पे सी. जब कंपनी बैंक के पास जाती है फॉर लोन एंड लोन उसको देती है एंड कोर्ट के पास बैंक जाती है टू गेट दिस लोन बैक, हमने एक और फीचर पढ़ा डी. कोर्ट जो है आपका ऑर्डर देती कंपनी को, कंपनी लोन नहीं चुका पाती है, ऑक्शन हो जाता है, कुछ पैसे अभी भी रह जाते हैं. उस केस में हमने पढ़ा एक और फीचर विच वॉज ई एंड एफ. वॉट इज दिस ए
B, C, D, E, and F. Let's take very quickly in the next video.